पीपल, कैसे हो आप लोग। आज की रेसिपी बहुत ही मजेदार होने वाली है बिकॉज मैं आपके लिए लाया हूँ रेस्टोरेंट स्टाइल मंचूरियन रेसिपी। हाँ जी दोस्तों, रेस्टोरेंट को बहुत मिस कर रहे हैं तो आप घर में रेस्टोरेंट स्टाइल मंचूरियन रेसिपी बना सकते हो। ये वीडियो को जरूर देखना ताकि आप ये रेसिपी सीख जाओगे। एंड अगर इस चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे वीडियोस मेरे रेसिपीज आपके तरफ पहले पहुंच जाए। तो चलो दोस्तों बनाते हैं अपना रेस्टोरेंट स्टाइल मंचूरियन रेसिपी। तो दोस्तों सबसे पहले हमें जो गोभी है उसको अच्छे से खींच के लेना है एंड उसको खींचने के लिए ऐसे राउंड राउंड करके खींचे ताकि सब वो खींच जाए, नहीं तो वो उसके पत्ते निकल जाएंगे। खींचने के बाद आप देख सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट टिप मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी होता है तो पानी को पूरा एकदम निचोड़ के ले लें ताकि वो एकदम अच्छे से हमारा बाइंडिंग हो जाए। फिर उसमें नमक डाल दीजिए स्वादानुसार एंड देन फिर हम डालेंगे कोरिएंडर पाउडर, इससे बहुत ही उम्दा टेस्ट आता है। फिर हम डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, फिर हम डालेंगे गरम मसाला, फिर ब्लैक सॉल्ट से टेस्ट बहुत अच्छा आता है एंड देन इसमें हम डालेंगे कॉर्नफ्लावर जिससे एक थोड़ा क्रिस्पीनेस आ जाता है हमारे मंचूरियन में। तो कॉर्नफ्लावर थोड़ा ज़्यादा डालिए एंड देन इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख सकते हो इसमें हम थोड़ा डालेंगे मैदा ताकि उससे अच्छे से बाइंडिंग हो जाए। इस प्रकार का ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा उसमें मैदा ना डालें, नहीं तो वो खाने में बहुत अच्छा नहीं लगेगा। आप देख सकते हैं इस प्रकार का हमने बैटर करके रखना है। मैंने यहाँ पे लिया ब्रेड क्रम्स, ब्रेड क्रम्स को हम बाहर से लगाएंगे ताकि वो जो क्रिस्पीनेस है वो और बढ़ जाए। देखो इस तरह हम इसके ऊपर डालेंगे, थोड़ा अच्छे से उसको बाइंड करेंगे ब्रेड क्रम्स से एंड देन हम इसको अच्छे से डीप फ्राई करेंगे। एंड इसको मैं फर्स्ट फ्राई बोलता हूँ बिकॉज हमने फर्स्ट फ्राई इसका करके लेने हैं। हम बाद में सेकंड फ्राई भी करेंगे तो आपको मैं जरूर दिखाऊंगा आगे जाके। तो ये है फर्स्ट फ्राई, आप देख सकते हो सब गोल्डन कलर के बॉल अच्छे से निखर के आए हैं। अभी हमको करना है सेकंड फ्राई, मैंने सब फ्राई करके लिए थे। सेकंड फ्राई के लिए पूरा आपको गैस हाई फ्लेम पे रखना है एंड देन यू शुड फ्राई टिल इट ग्रेट्स एकदम गोल्डन ब्राउन। तो आप देख सकते हो ज़्यादा एकदम ब्राउन हो चुके हैं ताकि वो अंदर से अच्छे से पक जाए। आप देख सकते हो ये कलर ऐसा आना चाहिए। तो अभी हम करेंगे ग्रेवी की रेसिपी, उसमें हम डालेंगे चॉप गार्लिक फ्लेवर के लिए, फिर डालेंगे ग्रीन चिलीज, उसको अच्छे से टॉस करेंगे। याद रखें कि ज़्यादा उसको भूने ना, चाइनीज़ थोड़ा कच्चा ही खाया जाता है, बहुत अच्छा लगता है। देन ओनियन कैप्सिकम, टेस्ट बहुत अच्छा आता है आपके ग्रेवी का। इसको हम थोड़ा सा टॉस कर लेंगे ऊपर से ऊपर कढ़ाई में एंड फिर हम डालेंगे अपना टोमेटो। टोमेटो ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो, बट एक उसको एक प्रेजेंटेशन में बहुत अच्छा दिखता है इसलिए मैंने वो डाल दिया है। एक्चुअली इसको बहुत ऐसे चाइनीज़ कढ़ाई में बनाते हैं बट मेरे पास ये कढ़ाई नहीं है इसलिए दोस्तों मैंने इसमें बनाया हमेशा की तरह कोरिएंडर पाउडर। फिर हम डालेंगे सॉल्ट टू टेस्ट, सॉल्ट उसमें भी है तो इसमें सॉल्ट डालते वक्त थोड़ा ध्यान रखिए एंड देन इसको हम फिर से थोड़ा सा टॉस कर लेंगे। देन हम डालेंगे शेजवान चटनी, फिर हम डालेंगे ग्रीन चिली सॉस, आपके पास अगर रेड सॉस है तो भी डाल सकते हो। फिर हम डालेंगे टमाटो सॉस, फिर हम डालेंगे सोया सॉस जो सबसे इम्पॉर्टेंट सॉस है चाइनीज़ में एंड देन इसको हम थोड़ा सा हिलाएंगे। मैंने इसमें पानी डाल के ऑलरेडी रखा था, आप इस इतना पानी डाल के रखिए। थोड़ा ही उबाल आने के बाद हम फिर इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालने से होता यह है कि अपनी ग्रेवी जो है वो थोड़ा गाढ़ी हो जाती है एंड वो बहुत अच्छी तरह से दिख भी जाता है। आप देख सकते हो कितनी ग्रेवी मेरी अच्छे से बन के हो गई है। अभी हम फाइनली इसमें डालेंगे मंचूरियन बॉल्स एंड इसको थोड़ा सा ही टॉस कर लेंगे एंड देन उसको निकालेंगे। तो आप देख सकते हो हमारी मंचूरियन बॉल्स तैयार है, रेस्टोरेंट की तरह बिल्कुल दिख रहे हैं ना, एकदम रेस्टोरेंट की तरह। तो अभी हम इसको अच्छे से सर्व करते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये मेरा रेस्टोरेंट स्टाइल मंचूरियन रेसिपी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इसको जरूर ट्राई करना एंड मुझे कमेंट करके बॉक्स में जरूर बता देना। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही शानदार और दमदार रेसिपी के साथ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रॉम मी।